subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं नेफ्रोटर्बिडोमेट्री के बारे में. हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन के बारे में. मींस हम होल टॉपिक कवर करने वाले हैं. बात करें इस टॉपिक की तो टॉपिक आपके अगर फार्मेसी के हैं तो 7th सेमेस्टर में आपके ये इन्वॉल्व है. एंड इफ यू वांट टू वॉच वीडियोस रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. इसका नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconscious.in को चेकआउट कर सकते हो. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो नेफ्रोटर्बिडोमेट्री मीन्स इसमें आपके नेफ्रोमेट्री और टर्बिडोमेट्री दोनों ही इन्वॉल्व हैं. इंस्ट्रूमेंट भी दोनों ही आते हैं. तो नेफ्रोमेट्री टर्बिडोमेट्री एक तरीके से ही टेक्निक्स हैं. सो बेसिकली ये आपके जो सस्पेंशन है या आपके टर्बिड सॉल्यूशन है उसमें हम यूज़ करते हैं. सो वेन ए ईएमआर और लाइट पास थ्रू ए मॉनिटरी स्टेबल सस्पेंशन ए पोर्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी इज डिजनरेटेड बाई द एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लाइट गेट्स ट्रांसमिटेड. ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जाहिर सी बात है, अगर हम किसी सस्पेंशन पे लाइट को पास करेंगे तो उस सस्पेंशन से पार्टिकल के थ्रू जो है कुछ एनर्जी जो है आपके जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी हैं कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होंगे, कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट होंगे, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होंगे. अब ये रिफ्रैक्ट और रिफ्रैक्ट क्या है? रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट, तो रिफ्रैक्ट मतलब होता है रिफ्रैक्शन मीन्स चेंज इन द डायरेक्शन. तो कोई एनर्जी हम यहाँ से बीम पास कर रहे हैं तो अगर इसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वो हो गया आपका रिफ्रैक्शन. ये आपका एक तरीके से है रिफ्रैक्शन. ठीक है, चेंज इन द डायरेक्शन. और रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्ट करना मतलब वापस आना, वो हो गया हमारा रिफ्लेक्ट करना. ठीक है, जो एक तरीके से स्केटरिंग का ही पार्ट है. सो सस्पेंशन पार्टिकल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज अ टिंडल इफेक्ट. हम ऑलरेडी जानते हैं फार्मेसी के हैं तो जानते ही होंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में. आपके जो सॉल्यूशन हैं, कोलाइड्स हैं या फिर सस्पेंशंस हैं उसमें लाइट पास करेंगे, लाइट पास करने की वजह से उसके जो पार्टिकल है उनमें जिग-जैग मूवमेंट आपको शो होता है. वो एक तरीके से आपका टिंडल इफेक्ट है. ठीक है, जो आप ऑलरेडी आपने फार्मेसी में पढ़े होंगे थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में. ठीक है, फिजिकल फार्मेसी में. सो स्केटरिंग ऑफ लाइट है क्या? सो स्केटरिंग ऑफ लाइट मीन्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इन द मल्टीपल प्लेन विदाउट चेंज इन द नेट रेडिएशन एनर्जी ऑफ रेडिएशन. तो एक तरीके से स्केटरिंग का मतलब होता है जो भी जिस डायरेक्शन पे लाइट अब हम पास कर रहे हैं वो उस डायरेक्शन से के अलावा बहुत सारे मल्टीपल प्लेन्स में वो अपना डायरेक्शन को चेंज करे, मल्टी डायरेक्शन हो, उसे हम बोलते हैं आपके स्केटरिंग ऑफ लाइट, जो कि पार्टिकल की वजह से होता है. उसमें होने वाले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से हो सकता है. और एक चीज़ और है इसमें कि इसमें जो आपकी जो एनर्जी होंगी, जो नेट रेडिएशन एनर्जी होंगी, वो चेंज नहीं होंगी. हम जितना एनर्जी उसमें, जितना वेवलेंथ का एनर्जी पास कर रहे हैं उतना ही वेवलेंथ का एनर्जी ही उसमें आपके एक तरीके से स्केटरिंग होगी. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके स्केटरिंग ऑफ लाइट का. और बात करें स्केटरिंग ऑफ लाइट्स जो हैं बेसिकली डिपेंड करते हैं हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो लाइट की वेवलेंथ क्या है, पार्टिकल की साइज क्या है और पार्टिकल का डायमेंशन क्या है, नंबर कितने हैं. ठीक है, सो स्केटरिंग की बात करें दो टाइप के होते हैं, आपका इलास्टिक और एक आपका इनइलास्टिक. तो बात करें इलास्टिक की, ट्रांसमिटेंस ऑफ रेडिएशन विदाउट चेंज द एनर्जी, इसमें आपकी एनर्जी चेंज नहीं होती. बट इनइलास्टिक में क्या होता है, ट्रांसमिटेंस ऑफ द रेडिएशन विद द चेंज ऑफ एनर्जी. जितना हम एनर्जी पास करेंगे ठीक है वहाँ से आपका रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट जो भी होगा और जो भी आपका ट्रांसमिटेंस होगा उसकी जो एनर्जी है एक तरीके से वो सेम होगी आपके इलास्टिक स्केटरिंग पे, लेकिन इलास्टिक पे सेम नहीं होती है, कम हो जाती है. ठीक है, अब चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे. अब नेफ्लोमेट्री क्या है और टर्बिडोमेट्री क्या है. नेफ्लोमेट्री मीन्स ये आपके ग्रीक वर्ड हैं जो कि बना हुआ है नेफ्ले मीन्स क्लाउड, क्लाउड मीन्स टर्बिड. इज द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिक स्केटरिंग लाइट एज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स विच हैव द लेस देन 100 mg पर लीटर, लो कंसंट्रेशन पे काम करता है एंड मेजर्ड एट द 90 डिग्री एंगल. सो एक तरीके से नेफ्लोमेट्री पे हम जो आपके सस्पेंशन हैं खासकर लो कंसंट्रेशन के सस्पेंशन हैं, एक पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जीपेट में आते हैं. ठीक है, ये सब जीपेट के क्वेश्चंस हैं कि सिंगल पे हम मेजर करते हैं नेफ्लोमेट्री पे 90 डिग्री पे कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लेस देन 100 mg पर लीटर का. और इसमें आपके इलास्टिक स्केटरिंग लाइट को हम मेज़र करते हैं.
ठीक है, हम जो भी हैं स्केटरिंग लाइट को मेज़र करते हैं, सपोज़ जैसे कि हम लोग ये आपका सैंपल ट्यूब है, इसी तरीके से होता है, हम इसमें एनर्जी को पास करेंगे और कुछ एनर्जी जो हैं आपके एब्जॉर्ब होंगी, कुछ रिफ्लेक्ट होंगी, जो भी होंगी स्केटरिंग होगी, और कुछ एनर्जी जो हैं आपके निकल जाएंगी। ये आपका क्या है, ये आपका I0 है एक तरीके से, ये आपका IT है, ये आपका ट्रांसमिटेंस लाइट है या इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेंस लाइट, या आपका इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, और कुछ जो एनर्जी है या कुछ जो लाइट है वो स्केटरिंग होगी। तो हम 90 डिग्री पे आपका ये IS, ये इंटेंसिटी ऑफ द स्केटरिंग लाइट, इसको हम मेजर करते हैं आपके किस पे, नेफ्लोमेट्री पे, जो कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली होता है। जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही उसका स्केटरिंग हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ही। नेक्स्ट है टर्बिडोमेट्री। सो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस लाइट एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंड पार्टिकल मोर देन 100 mg पर लीटर हाई कंसंट्रेशन और मेजर्ड एट द 180 डिग्रीज। ठीक है, तो इसमें बात करें, एक पॉइंट है 180 डिग्री, एक पॉइंट है हाई कंसंट्रेशन और एक पॉइंट है ये, तो ये आपके मेन डिफरेंस हैं। तो इसमें जो आपके हैं, हम आपके बात कर सकते हैं नेफ्लोमेट्री में, हम यहाँ पे हम नेफ्लोमेट्री की बात कर रहे हैं, हम इसको 90 डिग्री पे मेज़र करते हैं। जबकि बात करें टर्बिडोमेट्री की, तो टर्बिडोमेट्री में हम इस लाइट को मेज़र करते हैं, ट्रांसमिटेंस लाइट को मेज़र करते हैं। ठीक है, कि उसमें आपकी इंटेंसिटी कितना है, और जो इंटेंसिटी है वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली होगी। जाहिर सी बात है, जितना हाईली कंसंट्रेशन होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो आपका उतना ही वो एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हम बात कर चुके हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह में। सो नेक्स्ट हम आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स के बारे में, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं नेफ्लोमेट्री के और टर्बिडोमेट्री के। नेफ्लोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ स्केटरिंग लाइट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। इट कैन ऑल्सो मेजर एट एनी कन्वीनियंट एंगल लाइक द 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 135 डिग्री एक्सेट्रा। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं नेफ्लोमेट्री का क्या बेसिक का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम जो है आपके सस्पेंडेड पार्टिकल के स्केटरिंग लाइट को मेजर करते हैं, लो कंसंट्रेशन होना चाहिए, 100 mg पर लीटर से कम होना चाहिए कंसंट्रेशन, और हम 90 डिग्री पे ही मेजर करते हैं मोस्ट प्रोबली, है ना। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ द स्केटरिंग लाइट है IS है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ये हमारा सपोज हो गया I0। ठीक है, ये क्या हो गया इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, और ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेंस लाइट, और जो स्केटरिंग होगा तो वो स्केटरिंग हम 90 डिग्री पे मेज़र करते हैं, ये हो गया हमारा IS, इंटेंसिटी ऑफ द स्केटरिंग लाइट। जाहिर सी बात है इंटेंसिटी कम होगी, वेवलेंथ सेम हो सकती है, एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, जाहिर सी बात है। सो IS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द KS इंटू I0 इंटू C। अब KS क्या है, KS इज कॉन्स्टेंट फॉर द स्केटरिंग, I0 क्या है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, IS क्या है इंटेंसिटी ऑफ द स्केटरिंग लाइट, और C क्या है कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंशन। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, अब जाहिर सी बात है उतनी ही उसमें स्केटरिंग होगी, क्योंकि नंबर पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, जितना नंबर पार्टिकल्स होंगे उतना ही स्केटरिंग उसमें पॉसिबल ही है, तो उसमें उतना ही आपका स्केटरिंग लाइट आपको मेजर होगा। जितना कम कंसंट्रेशन है तो उतना ही कम होगा, जाहिर सी बात है, बट इसे हम एक तरीके से लो कंसंट्रेशन पर मेजर करते हैं, हाई कंसंट्रेशन करेंगे तो वो टर्बिड हो जाएगा, तब उस पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है टर्बिडोमेट्री। तो टर्बिडोमेट्री में क्या है, इज द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस लाइट और लाइट स्केटरिंग इफेक्ट ऑफ द सस्पेंशन या सस्पेंडेड पार्टिकल्स एट द 180 डिग्री टू द इंसिडेंट लाइट। अब इस केस में क्या है, देखिए समझिए, इस केस में हम जो ये आपका सपोज सेम बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया I0, ये हो गया हमारा IT, ये हो गया हमारा IS। तो इस केस में क्या होता है कि हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है ट्रांसमिटेंस लाइट लाइट जो है वो हमेशा क्या होगी, कम होगी इंसिडेंस लाइट लाइट से, तो स्केटरिंग भी होगा, स्केटरिंग होगा, अगर ज़्यादा ज़्यादा स्केटरिंग होगा तो भी आपकी ट्रांसमिटेंस लाइट कम होगी। तो इसमें हम ट्रांसमिटेंस लाइट एक तरीके से मेज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, या फिर लाइट स्केटरिंग इफेक्ट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, उस सस्पेंडेड पार्टिकल में पार्टिकल्स में कितना लाइट स्केटरिंग इफेक्ट्स हो रहा है, जितना ज़्यादा इफेक्ट्स होगा IT उतना ही कम होगा, ऐसी बात है। तो T इज इक्वल टू 1/L इंटू L इंटू N इंटू I0 अपॉन IT। अब T क्या है, टर्बिडिटी, I0 इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, IT इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, L लेंथ ऑफ द डिस्पर्सन, इतना लेंथ है, पथ लेंथ है जो कि कॉन्स्टेंट होता है एक तरीके से, ऑलरेडी ये 1/L है और L है तो अपने कट जाएगा। N क्या है,
एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडिया, हर एक मीडिया का एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, तो वो एक तरीके से है इसमें, इसके अलावा आपका ये, ठीक, तो इसको हम एक तरीके से एन आई जीरो आई टी भी हम बोल सकते हैं आपके टर्बिडिटी को। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसकी जो टर्बिडिटी है उतनी ज़्यादा होगी। तो हाईली कंसंट्रेशन पे वर्क करता है एक तरीके से, हम इसको मेजर करते हैं किस पे, 180 डिग्री पे, याद रखिए। सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन। तो आई टी हमेशा क्या होगा? कंसंट्रेशन के अपोजिट होगा, जितना कंसंट्रेशन होगा आई टी उतना ही कम होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। सो अब आते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, क्या बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन के फंक्शन होते हैं। तो सिंपल, इसमें एक सोर्स लाइट होगा जो एक तरीके से यूजुअल हम यूज़ करते हैं, आपके टंगस्टन लैंप हो या मरकरी आर्क हो। एक लेंस होगा जो फोकस करेगा हमारे सिंपल सेल्स पे, ये हमारा क्या है, सिंपल्स ट्यूब है, यहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये आपका सिंपल सेल, सिंपल सेल की बात करें तो ये रेक्टेंगल या फिर सर्कुलर हो सकता है, और एक ग्लास का बना होता है सिंपल सेल, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें टर्बिडोमेट्री में, टर्बिडोमेट्री में हम एक तरीके से ट्रांसमिटेंस लाइट को मेजर करते हैं, जो यहाँ से हम लोग, ये आपका मोनोक्रोमेटर फिल्टर है, जब हम यूवी यूज़ करते हैं हम बेसिकली आपके टर्बिडोमेट्री पे ब्लू फिल्टर यूज़ करते हैं, याद रखिए। एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बेस जो कि 530 नैनोमीटर पर काम करता है, ठीक। और अगर हमको नेफ्लोमेट्री यूज़ करना हो तो हम यूज़ करेंगे इस लाइट का, ये आपका आई जीरो, इधर आई टी, इधर हो गया आई एस। तो इस पर हम जो हैं हम कम्प्लीटली ब्लैक कोट कर देंगे, और लाइट जो है पास यहाँ होगी, इधर तरफ सब तरफ ब्लैक रहेगा, पास इस तरफ होगी 90 डिग्री पे, ठीक है। और ये आपका फिल्टर मोनोक्रोमेटर रिक्वायर्ड है या नहीं है हम बात करेंगे आगे। ये हो गया आपका नेफ्लोमेट्री का प्रोपोर्शन। तो ये एक तरीके से ये बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन के कंपोनेंट्स हैं। अब आते हैं वन बाई वन सोर्स लाइट। सोर्स क्या होगा? टंगस्टन लैम्प या फिर मरकरी आर्क लैम्प। टंगस्टन लैम्प की बात करें तो यूज फॉर द पॉलीक्रोमेटिक लाइट, हम इसमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक तरीके से मोनोक्रोमेटर का यूज़ नहीं पड़ता है, टंगस्टन लैम्प वहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन मरकरी आर्क लैम्प में हम स्पेसिफिक वेवलेंथ को या मोनोक्रोमेटर लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक फायदा होता है। बात करें फिल्टर मोनोक्रोमेटर की, अगर रिक्वायरमेंट है तो ठीक, नहीं तो फिर जरूरत नहीं है। सो यूज्ड ओनली व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिक्वायर्ड, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की रिक्वायरमेंट है तभी हम इसमें यूज़ करेंगे। सो इन टर्बिडोमेट्री ए ब्लू फिल्टर यूज़ करते हैं हम लोग, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड नेफ्लोमेट्री में हम जो है विजुअल फिल्टर, जो हम लोग यूजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिल्टर यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं सिंपल, जो हमारा, ठीक है। बात करें मोनोक्रोमेटर की तो उसमें आपका जो ग्रेटिंग है या प्रिज्म है, या फिल्टर की बात करें तो उसमें भी आपका जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली इसमें सिंपल। बात करें सिंपल सेल्स की, सिंपल सेल्स या तो आपका जो सिलेंड्रिकल होगा या रेक्टेंगुलर होगा, मतलब सिंपल सेल्स की बात करें तो या तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा या फिर हमारा रेक्टेंगल शेप में होगा, ठीक है। अब ये जो है आपके ग्लास से बना होता है, सिंपल है आपका ये ग्लास से बना होता है। बात करें पथ लेंथ की तो यह हमारा कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का पथ लेंथ होता है यूवी की तरह। और स्पेसिफिक केस में जो सेल्स हैं वो कोटेड विद द ब्लैक, ठीक है, टू अवॉइड द एनी रिफ्लेक्शन दैट मे अफेक्ट द डिटेक्टर रिस्पॉन्स। तो अगर हमको, क्योंकि इसमें लाइट जो है आपकी स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग होगी तो हर तरफ जाएगा पार्टिकल्स, तो लाइट हर तरीके से निकलेगा, उससे जो डिटेक्टर है प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। तो अगर हम बात करें नेफ्लोमेट्री के केस में, क्योंकि हम 90 डिग्री यूज़ करते हैं तो सब कुछ यहाँ से लाइट जाएगी और यहाँ से लाइट नीचे आएगी, बाकी सब जगह जो है आपके सब जगह पे आपको हम लोग ब्लैक कोटिंग कर देते हैं, यहाँ पे ब्लैक कोटिंग कर देंगे, आपके पीछे इस तरफ कोटिंग कर देंगे, इधर कोटिंग कर देंगे, इस एरिया पूरा कोटिंग कर देंगे, केवल नीचे जो एरिया है हम उसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे ताकि वहाँ से लाइट जा सके, ठीक है। एंड ये है आपका मेन। बात करें डिटेक्टर की तो हम लोग इसमें फोटो सेल्स यूज़ करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स या फोटो ट्यूब्स यूज़ करते हैं हम लोग टर्बिडोमेट्री पे, और फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब यूज़ करते हैं स्कैटरिंग पे, या सॉरी नेफ्लोमेट्री पे, क्योंकि नेफ्लोमेट्री पे हम यूज़ कर रहे हैं, स्कैटरिंग लाइट को मेजर कर रहे हैं, है ना। जाहिर सी बात है इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम होती है, तो अगर इंटेंसिटी कम है इसलिए हम लोग फोटोमल्टीप्लायर यूज़ करते हैं ताकि उसका जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ सके। सो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट है आपका एप्लीकेशंस, क्या इसके बेसिक एप्लीकेशंस हैं। तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं, जो भी टर्बिड फॉर्म करता है, जो भी सस्पेंशन है या आपके जो साल्ट हैं जो प्रेसिपिटेट करते हैं, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज द एनालिसिस ऑफ द वाटर,
हम वाटर को चेक कर सकते हैं कि प्योरिटी कितनी है, उसमें कितना एलिमेंट्स हैं या कितना क्वांटिटी पे आपका एक तरीके से हमारा जो एलिमेंट्स की बात करें कैल्शियम की हो, जिंक की हो, मिनरल्स हो उनको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लैरिटी ऑफ वाटर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द आयंस एंड मिनरल्स कंसनट्रेशन। जैसी बात है, हाई कंसनट्रेशन होगा तो उसकी टर्बिडिटी हाई होगी, कंसनट्रेशन लो होगा तो टर्बिडिटी अपने आप कम हो जाएगी, ठीक, क्लियर बात है। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो द सिंपल गैस इज पास थ्रू द बेरियम साल्ट, हम बेरियम साल्ट के थ्रू कैल्शियम को हम सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो क्या होगा, उससे जो है बेरियम कार्बोनेट का बनेगा प्रेसिपिटेट। अब ये एक तरीके से आपका सस्पेंशन फॉर्म करेगा और इसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द नेफ्रोटर्बिडोमेट्री। डिटर्मिनेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक द फॉस्फोरस, क्लोराइड, कार्बोनेट, फ्लोराइड, साइनाइड, कैल्शियम, जिंक एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन जो एलिमेंट्स हैं इनको हम स्पेसिफिक जो आपके रिएजेंट्स हैं जो प्रेसिपिटेंट हैं उस है ना उसके थ्रू हम इसको प्रेसिपिटेट में चेंज कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। इसी बात करें फॉस्फोरस के लिए, फॉस्फोरस को अगर हम जो हैं स्ट्रेचिन मोलिब्डेट के साथ में रिएजेंट डालेंगे तो उसमें आपका एक तरीके से फॉस्फोरस मोलिब्डेट बन जाएगा और आपका हम मेजर कर सकते हैं। सेम कैल्शियम को हम लोग ऑक्सलेट साल्ट में डालेंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म करेगा जिससे वो ये जो प्रेसिपिटेट है वो हम मेजर कर सकते हैं टर्बिडोमेट्री के थ्रू। जिंक को हम पोटेशियम फ्लोरोसेंट के साथ यूज़ करेंगे तो जिंक फ्लोरोसेंट बनेगा, ये भी एक तरीके से क्या है, ये प्रेसिपिटेट है। सेम साइनाइड सिल्वर साल्ट के साथ में यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर साइनाइड्स, ये सब क्या है, प्रेसिपिटेट हैं, ये रिएजेंट्स हैं। बात करें कार्बोनेट की, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेरियम साल्ट या बेरियम क्लोराइड, उसे क्या बनेगा, बेरियम कार्बोनेट बनेगा। तो इन प्रेसिपिटेट्स को, इन क्लाउडी सस्पेंशन को हम उसकी टर्बिडोमेट्री से मेजर कर सकते हैं कि उसमें कितना कंसंट्रेशन है। जितना कंसंट्रेशन होगा उतना उसका टर्बिडिटी होगा, जाहिर सी बात है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो टर्बिडिटी है वो कंसंट्रेशन के एक रेस्पेक्ट में होगा, ठीक, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। तो हम टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस भी कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन है, कोई सैंपल है, कोई आपका टाइट्रेंट है, कोई टाइट्रेट है, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, लास्ट में आपको बनेगा प्रेसिपिटेट। तो उसके थ्रू हम जो हैं टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट गिव द टर्बिड प्रोडक्ट विच कैन बी एनालाइज। जो भी आपके प्रेसिपिटेट बनेंगे उस प्रेसिपिटेट का कंसनट्रेशन हो, प्रेसिपिटेट हो, उसको मेजर कर सकते हैं। एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स और आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं आपस में क्या है, एक आपका एंटीबायोटिक्स माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारता है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, उसकी टर्बिडिटी कम होगी। जितना बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगा टर्बिडिटी कम होगी, तो उस बेस पे भी हम एंटीबायोटिक का ऐसे कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, आपका है डॉक्सीसाइक्लिन, हम जो बात करें माइक्रोऑर्गेनिज्म की हम यूज़ करेंगे स्टेफलोकोकस ऑरियस, पीएच मीडिया का पीएच होगा 7, फॉस्फेट का यूज़ होगा 4.5, पोटेंसी होगी शोषण की इसकी वो होगी 0.03 to 0.01, जो इंक्यूशन टेम्परेचर होगा 35 to 30 डिग्री, ये कॉमन है सभी केस में, ये सेंटीग्रेड पे है, ठीक है, ये सेंटीग्रेड पे है, ठीक। इंटरमिशन की बात करें तो उसके लिए सेम आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म है, पीएच 7, इसमें 8, इसमें 0.6 to 1.25, और टेम्परेचर भी सेम है। बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की, तो क्लेप्सिला निमोनिया इसका ऑर्गेनिज्म है, पीएच 7, और आपका जो फॉस्फेट बफर है उसका है पीएच 8, आपका पोटेंसी शोषण है आपका 2.4 to 3.8, टेम्परेचर ये है। तो इनके थ्रू जो टर्बिडिटी है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे यूज़ करेंगे तो टर्बिडिटी भी अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है। तो उसके बेस पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन का आपका सॉल्यूशन है हमारा एंटीबायोटिक का। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री। आई होप यू लाइक माई वीडियोज, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, और कमेंट्स आप जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि हम कैसे और अपने जो चैनल्स हैं, अपने जो वीडियोस हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ही मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा और आपके लिए होगा, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वालिटी के और इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊँगा। सो इन लास्ट थैंक यू, कीप वॉचिंग।